श्री राधे राधे। भक्तों, श्री वृंदावन धाम में संतो भक्तों की कमी कभी नहीं हुई, न पूर्व काल में, न आज, न आगे होनी है। बस उनको पहचानना, उनका सानिध्य प्राप्त करना ये मुश्किल काम है, क्योंकि दोष दृष्टि मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। पास में रहने पर समझ में आना मुश्किल होता है, तो अपने मन की गड़बड़ी को उन महापुरुषों, महान भक्तों के अंदर देखने की कोशिश करने लग जाते हैं। बोल रहे हैं ये सब तो बहुत अच्छा, लेकिन इतनी कमी है। महाराज जी, ये गुरु जी हो या संत माता, इतना ये गलत बोल दिए, तो भाई जब तुम ही सर्वज्ञ हो तो फिर उनका सानिध्य प्राप्त करने की जरूरत क्या है तुम्हें। मेरे कथन का तात्पर्य ये है कि अपनी श्रद्धा को ठीक रख करके सत्संग का लाभ उठाओ। श्रद्धा में संशय, दोष दृष्टि ये सब रखोगे तो सत्संग का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा पूरा। आज भी भक्त हैं, संत हैं, माताएं हैं, भक्त माताएं हैं, कमी नहीं है। आप उनका सानिध्य तो प्राप्त करो, उनका लाभ तो प्राप्त करो, दर्शन करो, भाव से करो। और बहुत छिप करके रहने वाली भी माताएं हैं, संत हैं, यद्यपि कृपा पूर्वक बहुत से लोग अपना बता देते हैं सब कुछ, परिचय और पता सब, लेकिन कुछ गुप्त भक्त होते हैं जो जल्दी बताते नहीं। इसमें माताएं बहुत हैं। आप कहेंगे एक तो दिखलाइए, हम कह रहे हैं एक नहीं अनेक हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा तो हो, श्रद्धा बहुत पवित्र रखो, प्रभु मिलाएंगे आपको भक्तों से। आप जिन महान संत उषा बहन जी के चरित्र श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं की बिल्कुल रंग में रंगी हुई सुशीला बहन जी थी, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। उन्हीं सुशीला बहन जी की अनुजा अर्थात छोटी बहन निर्मला शर्मा जी अभी शरीर से विद्यमान हैं श्री वृंदावन धाम में, संतों की, भक्तों की गुप्त सेवा भी करती हैं, किसी को पता नहीं होने देती हैं कब सेवा करती हैं, क्या सेवा करती हैं। कन्हैया की भक्ति में तो इतना डूबी रहती हैं, मैंने उनका दर्शन किया, मेरा ख्याल है 85-90 के बीच की होंगी, 85 वर्ष से 90 वर्ष के बीच की होंगी वो, अनुमान से मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज भी वह हारमोनियम को खड़े खड़े भी बजाती हैं। अब वृद्धावस्था के कारण गले में भले वो शक्ति नहीं हो, लेकिन गाती हैं, बजाती हैं, भगवान के सरस लीलाओं को गाती हैं। और जो सखियां हैं उनकी, वो उस जमाने की भी अभी हैं कोई कोई, उषा माता के टाइम की और बाद वाली भी, वो लोग बहुत भाव से उनका साथ देती हैं भजन कीर्तन गाने में। नाम तो उनका है निर्मला शर्मा, लेकिन उनको सब लोग काकी नाम से कहते हैं। बहुत बड़ी हैं, सब लोग उनसे छोटी उम्र की हैं, इसलिए आदर देने के लिए नाम उनका नहीं लेती हैं। निर्मला शर्मा नाम है, किंतु सब काकी काकी कहती हैं। और उनका सौभाग्य मैं आपको बता रहा हूँ कि मात्र 5 वर्ष की आयु में थी तभी उनको पूज्य उषा जी और सुशीला बहन का सुखद संरक्षण मिल गया था, दिन रात उनका सामीप्य सानिध्य मिला। पूज्य उषा जी व सुशीला बहन जी की दिन रात
की हरि चर्चा और ठाकुर संग हुई क्रीड़ाओं की वो साक्षी रही हैं। का कीजिए, यद्यपि उस समय वो छोटी सी थी, 5 साल की थी, भले ही पूरी बात न समझती हो लेकिन बहुत कुछ समझती थी, इसीलिए वो उस रस का आस्वादन कर रही थी, भक्ति का माधुर्य, प्रेमा भक्ति का सरस बीजारोपण हो गया 5 साल की उम्र में। और केवल बीजारोपण ही नहीं हुआ, सिंचाई भी होती रही। सिंचाई होने से उनका भक्ति का पौधा लहलाता गया। संगीत विशारद काकी बहन जी, दर्शन बहन जी के साथ बैठी नित्य पद गान के समय और उत्सवों के समय परिकर भी जो था ना, उसमें अभिन्न अंग थी। वो आज भी विराजमान है। 18-18 घंटे संगीत के साथ कन्हैया का पद गान करना, लीला गायन करना, जैसे स्वामी हरिदास जी का चरित्र आप सुन चुके हैं ना, लगातार संगीत के द्वारा आराधना प्रभु की करते थे, ऐसे ही काकी जी करती थी। अब वृद्धा हो गई हैं लेकिन अब भी करती हैं वो, पहले 18 घंटे लगातार करती थी, अब भी कुछ घंटे तो प्रतिदिन करती है। सभी संतों, भक्त समाज, विशिष्ट आगंतुकों के समक्ष जहाँ भी कहीं भगवान के प्रेमी भक्त मिले, उन सब के सामने ठाकुर को रिझाने का अवसर सहज मिल जाता था और सबको प्रेम रस में डुबा देती थी। सभी संतों का लाड़ प्यार, कृपा दृष्टि भी मिलती रही। सुशीला बहन जी के वृंदावन आ जाने से और भाई लक्ष्मी नारायण के फौज में भर्ती हो जाने से इन्हें अपने पैतृक गांव कांधला में ही रह करके नौकरी कर माँ की सेवा का भी सौभाग्य मिला। वृंदावन आना जाना तो लगा ही रहता था। और भक्तों, इस प्रकार से कुछ दिन संसार की भी सेवा करके फिर सन 1990 में, अर्थात अब से 33 साल पहले, सन 1990 में गौरानगर 4 संप्रदाय आश्रम के ठीक पीछे पूज्य मनोहर दास बाबा ने उनके लिए आवास भी बनवा दिया और भक्तों वर्तमान में वहीं विराजमान हैं वो माता और उनकी सखियां भी। तो बड़ा भाव भरा उन लोगों का, भक्ति भरा जीवन है और उन्हीं लोगों की कृपा है कि आपको उषा जी का चरित्र सुनने को मिल पा रहा है। और इन सखियों का भी बीच बीच में नाम ले लेता हूँ, कुछ सुना भी देता हूँ उनके विषय में। और अब नाम तो मैं किसका किसका बताऊँगा, लेकिन ये काकी जी और उनके पास रहती हैं दीपा जी, उषा जी के ही शरीर के परिवार की हैं वो, और एक वृंदा सखी हैं। ये सब मिलजुल करके भगवान की आराधना में लगी हुई इन सखियों के भाव को विकसित करती रहती हैं और भक्त समुदाय के ऊपर कृपा करती हैं। तो इन लोगों के ही माध्यम से सखियों का चरित्र आपको सुनने को मिल पा रहा है। तो भक्तों, मैंने आपको बताया ना, 4 संप्रदाय आश्रम के पीछे इन लोगों का निवास है। मनोहर दास बाबा, जो बालकृष्ण दास जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने बनवाया है। और इस प्रकार इनका स्थायी रूप से वृंदावन वास हो गया और अब 33 वर्ष से काकी जी लगातार वृंदावन में ही रह रही हैं। और पहले तो आती जाती रहती थी, अब कहीं भी आना जाना बंद है उनका। सन 2009 31 जुलाई को श्री ठाकुर जी के संग पूज्य सुशीला बहन जी भी गौरानगर के इसी घर में आ गई थी।
दैनिक सत्संग का आयोजन तब से इसी घर में चल रहा है। उत्सवों की झूम आनंद बरसाती रहती है, संतों का आगमन भी होता रहता है। उत्सव की झूम और संतों के आगमन से ये आवास जो बनाया है ना बाबा मनोहर दास ने इन सखियों के लिए, काकी जी के लिए, सुशीला जी के लिए, उषा बहन जी भी पधारी थी पहले, लेकिन तब शायद ये इस रूप में नहीं बन पाया था। तो लेकिन प्रचार प्रसार लोग नहीं करते हैं भक्तों, इसलिए बाहर के भक्त लोग कम जान पाते, यहाँ के भी जो वृंदावनवासी ये लोग भी कम ही जानते हैं। यूट्यूब में भी प्रचार ज़्यादा नहीं है, कोई एक चैनल तो है लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद है। एक बार उन लोगों का प्रेम देख करके मैं भी दर्शन करने गया था, थोड़ी देर प्रवचन भी हुआ था, तो भक्ति आश्रम में नहीं और किसी चैनल में आया था वो, मैंने देखा था। तो ज़्यादा प्रचार प्रसार पर इन लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं है, ये तो अपने ठाकुर जी को ही रिझाने के लिए सब करती रहती है। और 25 मई 2020 को पूज्य सुशीला बहन जी के निकुंज प्रवेश के बाद आज भी सत्संग और उत्सव का आयोजन उसी रूप में करते रहने का अथक प्रयास काकी जी का महान सराहनीय है। और वे नव साधकों को पूज्य उषा जी का साहित्य उपलब्ध कराती हैं और अपने जीवन की रहनी सहनी द्वारा प्रेरणा के अद्भुत स्रोत बनी हुई है काकी जी अर्थात निर्मला शर्मा जी। लिखा पढ़ी में निर्मला शर्मा नाम है, व्यवहार में काकी जी कही जाती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक जगह अपने शिष्यों को सुदृढ़ शब्दों में कहते हैं, गृहस्थ में रहकर भी शांत मन से भक्तिमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है, पर पूर्ण रूपेण त्याग से भगवत प्राप्ति शीघ्र और सुनिश्चित हो जाती है। देखो भक्तों, मैं दकियानुसी उस विचार को नहीं पसंद करता हूँ कि कोई कहे कि वो संप्रदाय भक्ति का नहीं, वो संप्रदाय हमारे लिए काम का नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाई, भगवान का जो भजन किया वो सब भगवान का है। रामकृष्ण परमहंस, दुख की बात है कि कई लोग रामकृष्ण परमहंस को भक्ति मार्ग का नहीं समझते, वो तो महान भक्त थे, ज्ञानी भक्त थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो महान गंभीर प्रेमी भक्त थे, वृंदावन भी पधारे थे वो तो, और विजय कृष्ण गोस्वामी जैसे महान भक्त सब उनकी कृपा से ही पालित पोषित थे, भक्ति के रस से पालित पोषित थे। मैं रामकृष्ण परमहंस जी का चरित्र आपको सुना चुका हूँ, तो उन्हीं का ये कहना था भक्तों कि गृहस्थ में रहकर भी शांत मन से भक्तिमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है, पर पूर्ण रूपेण त्याग से भगवत प्राप्ति शीघ्र और सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन ये त्याग कोई सरल बात नहीं है जो महाराज जी कह रहे हैं, परमहंस जी का बताया हुआ त्याग बहुत कठिन है। पूज्य उषा जी का त्याग भगवत प्राप्ति की लालसा चरम सीमा पर थी, पर अभी शायद समय नहीं आया था या कुछ और साधकों पर अभी कृपा दृष्टि शेष थी, प्रभु की इच्छा और सुनिश्चित समय पर ही साधना सफल होती है, और जब समय आ जाता है तो सब बाधाएं प्रतिकूलताएं स्वतः ही क्षीण क्षीण हो जाती हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उषा जी का चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे थे, मैं वहीं आपको लेकर के पहुंच रहा हूं। बीच में मैं वर्तमान माताओं की बात सुनाने लग गया था। तो उषा जी की आकुलता व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, दिन रात श्रीधाम जाने की ललक रोम रोम में व्याकुलता भर देती थी, जो उनकी उन दिनों की रचनाओं में झलक पड़ती है।
वो बड़े भाव से कहती हैं, लेखनी के द्वारा व्यक्त करके। दूर रहना सोच कर दम घोंट ती मन के घुटन। उषा जी अपने मन के भाव को लेखनी के द्वारा प्रकट कर रही हैं और वृंदावन धाम में आने के पहले कितनी बेचैनी थी आने की, वो उनके शब्दों से प्रकट होता भक्त को। वो लिखती हैं अथवा ये कह लीजिए कि बोलती हैं, दूर रहना सोच कर दम घोटते मन की घुटन, और रह रह कर हृदय में छेदती सी ये चुभन। हाथ पर दयनीयता के विवश प्राणों की घुटन, किस तरह बेचैन करती है सभी मिलकर मुझे, क्या बताऊं क्या सुनाऊं नाथ कह सकती नहीं, मैं दूर रह सकती नहीं, मैं दूर रह सकती नहीं, दूर रहना सोच कर दम घोंटते मन की घुटन। ऐसे भगवान श्याम सुंदर को वो लिख लिख करके बोल बोल करके अपने मन की अंतर्वेदना अर्थात श्री वृंदावन धाम वास की जो तीव्र ललक थी उसको व्यक्त करती थी। पर पिताजी से जब भी वृंदावन आने की बात कहती हैं तो उनका एक ही जवाब था, दो एक दिन के लिए जाना चाहो तो चली जाओ, लेकिन मैं जब तक हूँ यहीं रहो, वृंदावन वासिनी मत बनो। भी कैसी व्यवस्था थी, भरा पूरा परिवार था। भाई शक्ति मोहन अच्छे गणितज्ञ थे और अकाउंट का कार्य देखते थे, जबकि महाराज साहित्यिक रुचि के भी धनी थे। वो उनकी काव्य और गद्य दोनों में अच्छी पकड़ थी। पूज्या उषा जी के तीसरे भाई थे श्याम मोहन, इनकी भी बचपन से ही धार्मिक रुचि थी। उन्होंने भी शादी के बंधन को स्वीकार नहीं किया, अंबाला छावनी में रहकर उच्च आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया था। उस दिन घर रह करके सदाशिव कॉलेज में पढ़ाया भी था। कालांतर में ये अध्यात्म केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। अति शिक्षित प्रबुद्ध समुदाय उनकी सार गर्भित शैली से प्रभावित हो उनसे जुड़ता गया। सदाशिव सत्संग का संरक्षण करते हुए उन्होंने सैकड़ों लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया और उनकी प्रेरणा स्रोत रहे। उन्हें सभी भाई साहब कह करके संबोधित करते थे। अब ये सत्संग स्थली गंभीरा नाम से जानी जाती है। सबसे छोटे भाई श्रुति मोहन राजकीय उच्च पद पर कार्यरत थे, पर हृदय गति रुक जाने से असमय में उनकी मृत्यु हो गई। पूज्या उषा जी की दोनों बहनों ने सदगृहस्थी का आदर्श रखते हुए अपने सभी बच्चों को श्री ठाकुर जी से जोड़ कर रखा। उसी नित्य नियम के अनुसार संकीर्तन पद गायन और श्री ठाकुर सेवा में रत हैं परिवार के लोग, सभी इन्हीं ठाकुर के शरणागत हैं। पर उस समय तक व्यवस्थित नहीं हो पाया था, कोई भी ऐसा नहीं था कि परिवार को आर्थिक आधार दे पाता। उषा जी की इनकी कर्तव्य परायणता इनका मार्ग अवरुद्ध कर देती थी। वृंदावन आना चाहती थी सदा के लिए, लेकिन पिताजी बिल्कुल विरोध कर देते थे, एक दिन दो दिन के लिए जाओ बस, और यहाँ भी देखो अभी तो। व्यथित हृदय से कन्हैया से कहती, जीवन खारा सा लगे फीके सब रस रंग, अब तो अति भारी लगे
अपनों का भी संग। कृष्ण से कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, अब मेरा जीवन मुझे खारा लगने लगा है घर परिवार रहने पर। अपनों का भी संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने तो आप ही, अब दूसरे लोग जो अपने कहला रहे हैं उनका संग अच्छा नहीं लग रहा। उनके हृदय के इस करुण क्रंदन को कोई इस पथ का पथिक ही महसूस कर सकता है भक्तों। अंततः ठाकुर का हृदय इनकी पुकार सुनकर के द्रवित हुआ और कृपा दृष्टि हुई। 9 जनवरी 1959 को पूज्य उषा जी के पिताजी ने इस लोक का त्याग करके परलोक गमन किया। सबसे ज्यादा पिता का ही बंधन था भक्तों, इसलिए उषा जी घर नहीं त्याग कर पा रही थी। अपने अध्यात्म चर्चा के श्रद्धेय गुरु रूप पिता के वियोग से इनका मन विषादपूर्ण हो गया था। पिताजी इनके भक्त थे, लेकिन बस सदा के लिए वृंदावन में आने की बात वो नहीं स्वीकार कर रहे थे। कहते थे बीच बीच में जाओ एक दिन दो दिन के लिए, लेकिन सदा वृंदावन के लिए होकर के नहीं जाओ। और उनका परलोक गमन, एक भक्त हृदय था उनका, इसलिए उषा जी को थोड़ा सा व्यथित किया। पर इस व्यथा के साथ साथ कहीं मन में एक हर्ष उल्लास की तरंग भी थी कि अब श्री वृंदावन धाम के लिए मार्ग पूर्णतया प्रशस्त हो गया। पिताजी रोकते थे, अब पिताजी तो है नहीं, इसलिए रोकने वाला अब कोई नहीं था। पिता की छत्र छाया उठ जाने से घर की बड़ी संतान होने के नाते सभी उत्तरदायित्व का भार इन पर आ पड़ा। पर हरिद्वार में पिताजी को अंतिम विदाई दे गंगा तट पर ही इन्होंने अपने भाई श्री मोहन को वृंदावनवास की अपनी इच्छा बताई, तो खुले हृदय से शीश भाई ने सहमत जता दी। धन्य है ऐसा भाई जो अपनी प्यारी बहन को वृंदावन आने में रोक नहीं लगाया। महान थे वो। शीश मोहन भाई जी की अपनी इस अग्रजा पर अगाध श्रद्धा थी और ठाकुर के हर विधान पर पूर्ण भरोसा भी था। बचपन से ही उन्होंने उषा जी को भक्ति से ओतप्रोत, तेजस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली देखा था, इसलिए बाधा देना उनको उचित नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा मेरी बड़ी बहन केवल पिता की बात मान करके अब तक नहीं वृंदावनवासिनी हो पाई, इसलिए मैं अब नहीं रोकूंगा। बाधा देने का उनके लिए प्रश्न ही नहीं था। पर संयत स्वर में कहा, दीदी आपको मैं वृंदावन जाने में तो नहीं रोकूंगा, पर मेरी इच्छा है कि थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लो। मैं खुद इस पावन पुनीत निर्णय में सदैव तुम्हारा सहायक रहूंगा। विधि का विधान उषा जी को अभी और कड़ी परीक्षाएं देनी बाकी थी। कुछ दिनों बाद इनके 8 वर्षीय भतीजे की अनायासी दुखद मृत्यु हो गई। इस अकाल मृत्यु से मानो परिवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। पूर्व जन्म में संभवतः योगी थे, बालक सुधीर के चले जाने से सभी दुखी हो गए, पर उषा जी का मन देह की नश्वरता को सोच करके दृढ़ होता गया। धामवास की उत्कंठा और प्रबल हो गई। वे और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थी, पर नियति अपने खेल खेल रही थी, उन्हें कसौटी पर परख रही थी। कुछ ही दिनों बाद इनकी भाभी का भी असमयी में ही स्वर्गवास हो गया और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी उषा जी पर आ पड़ी। कर्तव्यों की श्रृंखला जकड़ती जा रही थी, पर शांत मन से सब प्रतिकार सहती वृंदावन वास की अपनी आशा बेल को ललक भरी भावनाओं से सींचती रहती थी।
पूज्या उषा जी उस भाग्यशाली सुखद क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ ही समय के अंतराल में आई इतनी निकट आपदाओं में भी उषा जी का धैर्य, सहनशीलता, अधिक निर्णय और प्रभु पर भरोसा उन्हें महान भक्तों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता है। भक्तों उनकी उत्साह, लालसा और श्री राम की कृपा दृष्टि ने अंततः प्रतीक्षा की घड़ियों को विदाई दे दी और श्री धाम की महिमा में एक साधिका को पत्र में उन्होंने लिखा, सरस चिन्मय स्वरूप है श्री धाम का। वैसे तो प्रभु सर्वत्र विराजमान है, पर प्रेम पुंज श्याम सुंदर की अंतरंग निकुंज लीलाओं को मात्र श्री वृंदावन धाम में ही संजो करके रखने की विशेषता है। सतत अनवरत हो रही उनकी सरस क्रीड़ाओं को यहाँ का हर कण अपने में समेटे हुए और इन्हीं रजकणों का सामर्थ्य अद्भुत है जो साधक को यहाँ विशेष रूप से प्राप्त होता है। यहाँ वास करने पर साक्षात फलीभूत होता है। उषा माता ने लिखा था, मेरी तो जन्म से ही यहीं जीने और इसी रज में लीन हो जाने की अभिलाषा है। ऐसा वृंदावन की महिमा के विषय में उन्होंने लिखा था। और भक्तों, उषा माता वृंदावन में तो आकर रही, हमेशा के लिए रही, किंतु आने के पहले मन से यहाँ आकर के रहने लग गई थी। श्री वृंदावन धाम में शरीर से आने के पहले मन से आकर रहने लग गई थी, इसलिए वही बोलती थी, वही लिखती थी। उनके वृंदावन वास की जो मानसिक स्थिति थी, मैं उसके विषय में आपको और सुनाऊंगा और उनका वृंदावन आकर के रहना भी सुनाऊंगा, किंतु आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।